आपका नाम क्या? दीपक। दीपक कैसा गया पेपर? पेपर ठीक हुआ। मतलब जो प्रीलिम्स में था लेवल जो इजी था वही मेंस का भी लेवल ऐसा ही? नहीं, जीएस का और इंग्लिश का थोड़ा था, मतलब लेंथी टाइप का था, जैसे पैराग्राफ थे, कॉम्प्रिहेंशन था, लंबा था थोड़ा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले थे कि मतलब जो प्रैक्टिस करने से आएंगे या नए वाले थे कुछ नए कि हार्ड हो जाए? नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क था, ज़्यादा नहीं था। हाँ, मतलब थोड़ा कैच करने का था कि एक बार ही पढ़ के अगर रिकॉल हो जाए। कल का पेपर आया था, कल का पेपर बोल रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही आ रहे थे, क्या इस बार थोड़ा जो वो बच्चे बोल रहे हैं वो ठीक बात है? बिल्कुल, जो पहले प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे, मैं 2009 से अब तक देता आ रहा हूँ, ये मेरा लास्ट एग्जाम है अकॉर्डिंग टू माई एज, और SSC जो चेंजेस हुआ है उसमें फर्स्ट एग्जाम है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पेपर आया, एग्जाम आया, बहुत अच्छा आया। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या तैयारी की है तो आई थिंक कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। जिस तरह से ये पैटर्न चेंज हुआ था कि जीएस को ऐड किया, कंप्यूटर को ऐड किया गया, वो दिक्कतें आई हैं उन बच्चों को, दिक्कतें आई हैं जो बच्चे अपना जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है या जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, कट ऑफ आ गई है ना। हाँ जी, कट ऑफ, अब ये जो कट ऑफ होगी है तो इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा बच्चों के ऊपर। सर, ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या कहते हैं यूट्यूबर्स मतलब डालते हैं वीडियोस की, अब पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, आप तो बहुत सालों से एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ दिखने को मिला ही नहीं है पेपर में, कल भी था आज भी वैसा ही है? जी बिल्कुल, जैसा पहले था बिल्कुल ऐसा ही पेपर है। मैं आपसे 7 साल पहले सेलेक्ट हो चुका हूँ SSC के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भर्ती इसने कराई थी। FCI में है सिलेक्टेड? जी, मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ और परसों आई थिंक मेरी ड्यूटी भी यहाँ पर है, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंटल एग्जाम है यहाँ पे कैटेगरी 3 का ही। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, एग्जाम कुल मिला के बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के बंदे आए हैं। बाकी उन बच्चों को जरूर दिक्कत है जो केवल मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के चलते थे, अब तो वो पूरा चेंज ही हो चुका है, तो GS भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और आप कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, वरना सेक्शन कट ऑफ से आप वहाँ फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल जी, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पिछली बार लगता है कल हार्ड आए थे, आज के इजी थे? बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेल शीट से 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से 2-4 क्वेश्चन थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेके भी 2-4 क्वेश्चन थे, सर्च इंजन वगैरह के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो पूछ रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एक्सेल फाइल्स हो गई, मतलब जो जरूरत है एक बंदे को उतनी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नीड्स है। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत अच्छी, ऑल द बेस्ट। DP गौतम कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। अच्छा, तो सबके क्या, मैं ये क्वेश्चन ही पूछने भूल जाता हूँ कि क्या कहते हैं, कैसा गया? सबका तो अच्छा ही जा रहा है, इजी आ रहा है पेपर, तो कह नहीं सकते। सारी चीज़ें तो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेंगी, और फिर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया। पहले 4-6 क्वेश्चन भी गलत कर लेते थे तो इतना दिक्कत नहीं होती थी, अब एक एक क्वेश्चन बहुत वेरी करेगा, अगर 2-4 क्वेश्चन भी गलत होंगे सिलेक्शन से बाहर हो सकते। मैं तो अब GS तो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ पूछ के थक गया कि ये वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो 19 से थोड़ा ऊपर आया है, उसका लेवल काफ़ी अच्छा है, जैसे पिनेकल की बुक है या आर्यन की है, वो सब बुक्स लगाई थी तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन उनसे बने नहीं है। पेपर जो है कंप्यूटर का थोड़ा अच्छा आया है, GK भी अच्छी आई है पहले के कंपैरिजन में, मैथ बहुत हल्का आया है, इंग्लिश भी अच्छी आई है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ्स के नहीं आ रहे हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े, उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से तो कोई ऐसा कोई फास नहीं है, पेपर बहुत हल्का आ रहा है पहले कंपैरिजन में। और सर, रीजनिंग के क्वेश्चंस जिससे हम सोचते थे कि बैंक के PO के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ ना, ना ना गलत परसेप्शन था बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट रहा या फिर रैंकिंग वाले क्वेश्चन तो लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आएगा, चीज़ें बहुत ट्रिकी आएंगी, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, जो मेंस का लेवल है, जो प्री का लेवल रहता है उसी लेवल का आप क्वेश्चन समझो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। पहले मेंस के क्वेश्चंस कैसे मतलब अलग लेवल पे तैयारी करनी पड़ती थी कि मेंस के पहले हार्ड आते थे, पर तो प्रीलिम्स के लेवल मेरी समझ से पहले भी मेंस के लिए कोई बहुत हार्ड नहीं आते थे, कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते थे कि हटा दिए गए, हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन ही रहते थे, 10-15% जो मतलब रैंक डिसाइडिंग रहता था, पहले भी ऐसा ही रहता था, वो तो थोड़ा बहुत गिमिक है कि मतलब बहुत सारा अलग है, अलग से पढ़ना, सिलेबस वही है, क्वेश्चंस भी प्री जैसे ही रहते थे, इस बार ये है कि जैसा प्री का था वैसा ही है। बस यहाँ पर ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन और सेक्शनल कट ऑफ से दिक्कतें आएंगी जिसमें बच्चे छटाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ फिर टाइपिंग टेस्ट है। नहीं, मेरी समझ से सेक्शनल कट ऑफ जो बंदा क्लियर कर ही नहीं पाएगा तो वो तो सिलेक्शन में आने ही नहीं है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ का तो यहाँ रोल ही नहीं है, वो तो बहुत कम दे रखी है, वो बंदे की तो रैंक आनी नहीं है। सारा सीन है, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का पड़ेगा, बाकी का चीज़ है कि मार्जिन ऑफ एरर जो आप कह रहे थे ना वो बहुत कम हो चुका है, जहाँ सिली मिस्टेक्स कर गया बंदा, ह्यूमन एरर जहाँ हो गया वो रेस से बाहर बस हो गया। तो कैसा गया पेपर? अच्छा गया, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, मुंह से दिखा दिया, एकदम बढ़िया गया, एक नंबर गति। सर, नीतू मैम के बारे में क्या कहेंगे, मतलब इंग्लिश की तो वो तो लेवल का है उनका, तो जो बेसिक स्टार्ट होती है नीतू मैम से होती है, जो भी पढ़ना स्टार्ट करता है नीतू मैम की ब्लिंटू बैरामेंटी पढ़ता है, उसी से तैयारी होती है, उसके बाद तो सारी वकै कहीं से कर लो, ब्लैक बुक रही वो रही कहीं से कर लो नीतू मैम। सर ये बताइए कि इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा सा लग रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा है, पर ऐसा नहीं है कि आप अगर टाइम लगाएंगे तो सॉल्व तो हो जाए, टाइम बच रहा है, कोई नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन है, PK और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, बाकी मैथ्स के क्वेश्चन, हाँ 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन लेवल के थे, जिन भी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, नहीं तो बिल्कुल
ऐसे है ऑल ओवर जिसको मैथ आता है ना, कहीं उठा लिया एडवांस के 4-5 क्वेश्चन हो गए उसके सारे ऑल ओवर मैथ को टच कर रही हैं। रीजनिंग का लेवल भी वो मीडियम ही था, कोई ऐसे 7 क्वेश्चन थे ऐसे सेंटेंस अरेंजमेंट में दे रखे थे जो सिटिंग अरेंजमेंट के थे, बाकी तो नॉर्मल जिसकी प्रैक्टिस है वो तो आराम से निकाल लेगा। इसको प्रीवियस ईयर मार रहा है बस, मेनली कंप्यूटर और जीएस में थोड़े से लग रहे हैं कि क्या कहते हैं उसमें, क्योंकि कंप्यूटर भी आसान है। 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े बाहर से लग रहे थे, मतलब कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर के क्वेश्चन या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नॉर्मल क्वेश्चन थे, कमांड से रिलेटेड कंट्रोलर प्लस क्या है, इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही है। अरे फाड़ देंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रेजेंट मिलेंगे आपको। थैंक यू।